मित्रों जारे सीधी लीटी में कोई न माने ने तो लीटी हाकी करवी पड़े कि हवे तमारा मां ताकत होय ने एटली लगाड़ी रहो आम आदमी नो पार्टी नो एक एक कार्यकर्ता तमने घरमांथी बगाड़े नहीं ने तो नाम बदली नाखीश। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पत्रकार माथी आम आदमी पार्टी ना नेता बनिया बाद ईसुदान गढ़वी हवे आगामी चूंटणी जीतवा कमर कसता देखाय छे। सौराष्ट्रनी मुलाकाते निकळेला आम आदमी पार्टीना नेता ईसुदान गढ़वीए रविवारे जूनागढ़ना एक खानगी पार्टी प्लॉटमां कार्यकर्ताओनो जुस्सो अने उत्साह वधार्यो। तेमणे कह्युं के भाजप अने कोंग्रेसनी मिलीभगतथी प्रजा त्रस्त छे, प्रजाना प्रश्नो सांभळनारा कोई नथी। साथे ज ईसुदान गढ़वीए जणाव्युं के आम आदमी पार्टीने बहोळो प्रतिसाद मळी रह्यो छे। आशा बंधाणी आम आदमी पार्टीने ऊपर नागरिकोनी अहंकारी सरकार ने काढ़ो आ शब्द एक आम नागरिक ना मैं जोया तर मने वो लाग्यू का मारो निर्णय छे भाजप कांग्रेस मिलीभगत छे साबित थई अने एना कारणे कांग्रेस ना लोकोने पण लोको स्वीकारी नथी रह्या अने एटला माटे आम आदमी पार्टी ना एक एक कार्यकर्ता ने रोज सैकड़ों फोन आवे छे। मित्रों जोड़ायाना आज 8 दिवस नथी थया, मैं 7मी महानगरपालिका छे सूरत अमदावाद वडोदरा गांधीनगर राजकोट जामनगर की मुलाकात मैं करी है। खूब बहोड़ा लोग है ये प्रेम कर रहा है आम आदमी पार्टी जोड़ाई रहा है। आज अँ जूनागढ़ में एज स्थिति जोवा मळी, मने लोगों खूब वरसता वरसाद में खूब प्रेम जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे स्पष्टपणे एवं लागी रह्यु छे कि आम आदमी पार्टी मजबूताई थी एक ज आम आदमी पार्टी गुजरात में टक्कर आपी शके, भ्रष्टाचारी अहंकारी सरकार ने आम आदमी पार्टी छे। जे रीते अत्यारे सारा लोको सामे थी आवी रहा छे, कमीशन नहीं परंतु मिशन वाला लोको जारे आवी रहा छे, त्यारे मने आशा छे कि गुजरात में जे परिस्थिति अहंकारी ने भ्रष्टाचारी सरकारे बनावी छे ए सरकार ने उखेड़ी फेंकवा माटे गुजरात की जनता कटिबद्ध छे। जे रीते आजे કેટલાય સમાજના આગેવાનો પણ જોડાયા છે, સામાજિક આગેવાનો જોડાયા છે, વિવિધ સંગઠનોમાંથી પણ જોડાયા છે, જેનો મને એટલા માટે આનંદ છે કે એક સારી લડાઈમાં એક ઈમાનદાર લડાઈમાં સારા આખું ગુજરાત ધીરે ધીરે જોડાઈ રહ્યું છે અને એના કારણે આજે કેટલીક જગ્યાએ મારા આમ આદમી પાર્ટીના જોડાવાથી અને આમ આદમીના કાર્યકર્તાઓ જે રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે એટલે એસી ચેમ્બરમાં બેઠેલી બંને પાર્ટીઓના નેતાઓને ચિંતા વધી છે। એટલું જ નહીં, એમનું એક જ હથિયાર હોય છે સોશિયલ મીડિયા, બાકી જનતાની વચ્ચે તો કોઈ જનતા એને સ્વીકારતી નથી। જૂનાગઢ પહોંચેલા ઈસુદાન ગઢવીમાં પત્રકારના શબ્દો અને રાજકારણીના તેવર એમ બંને જોવા મળ્યા। પ્રજા માટે શું કરશે તેના કરતાં બીજેપીને પછાડવાની હોય તેવા નિર્ધારના તેવર પણ દેખાયા। જો કે પત્રકાર તરીકે જે ઈસુદાન ગઢવી નેતાઓને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક પહેરવાને લઈને ઠમઠોરતા હતા, તે ઈસુદાન ગઢવી ખુદ માસ્ક વગર અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સના લીરે લીરા ઉડાવતા નજરે પડ્યા। જૂનાગઢથી ભાર્ગવી જોશીનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।